उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या ये आपने पहले किया हुआ है क्वेश्चन, तो मैंने कहा कि यस क्वेश्चन मैंने पहले किया हुआ है। इंटरव्यूअर को थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हुई थी कोड को, अब मुझे आके एक्चुअल में एक्सपीरियंस हुआ दैट द वर्क कल्चर इज़ रियली अमेजिंग। अब आपको और चाहिए क्या? वर्क कल्चर इज़ रियली अमेजिंग, ओके, द ऑफर दैट यू गेट इज़ रियली अमेजिंग, एवरीथिंग इज़ रियली अमेजिंग, द मेंटर्स दैट वी गेट हियर, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं यहाँ पर, बहुत अच्छा अच्छा आपको सिखा देते हैं चीज़ें, ठीक है। हाई एवरीवन, आई एम फराज एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट क्योरफिट। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपना क्योरफिट का इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो ये बात है मेरे इंटर्नशिप के टाइम की, जब मैं इंटर्नशिप के लिए इंटरव्यू दे रहा था एंड इट वॉज फॉर SAP लैब्स, एंड ये मैंने जो इंटरव्यू दिया था इट वॉज ऑन कैंपस, वहाँ पर फिजिकली प्रेजेंट होके, ठीक है। तो उस दिन शाम में व्हेन आई वॉज वेटिंग फॉर माई लास्ट राउंड, तो जो मेरे प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर थे उनसे मैंने पूछा कि भैया आपने इंटर्नशिप कहाँ पर की हुई है, तो उन्होंने कहा मैंने इंटर्नशिप क्योरफिट में की थी। तो उस टाइम पर मुझे ज़्यादा पता नहीं था क्योरफिट के बारे में, बिकॉज दो ही कंपनी के नाम सुने हुए थे, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल वगैरह। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि ये कितना पे करती है, एंड जो उसका जो ऑफर था वो सुनने के बाद तो मैंने बस यही बोला कि भैया ये बताओ ये कंपनी आती है या नहीं आती कैंपस में। उन्होंने कहा ये कैंपस में नहीं आती। उस टाइम पे क्योरफिट जो थी वो सिर्फ IITs में विजिट करती थी। फिर उन्होंने मुझे बताया कि ठीक है मेरा हो जाता है तो मैं तुम्हें रेफरल दे दूंगा। मैंने कहा ठीक है भैया ज़रूर रेफरल देना, इस कंपनी में तो डेफिनेटली अप्लाई करना ही है। बट फॉर्चुनेटली मेरे टाइम पे क्योरफिट ने कैंपस विजिट किया एंड काफ़ी ज़्यादा हाइप थी बिकॉज ऑफ व्हाट इट ऑफर्स एंड द वर्क कल्चर एट क्योरफिट। तो फिर क्योरफिट में जब क्योरफिट जैसी कंपनीज आती है ना, तो उसमें जितने लोग अप्लाई कर सकते हैं उतने लोग अप्लाई करते ही करते हैं। तो हमारे जो कॉलेज की स्ट्रेंथ है इट वॉज अबाउट 2000 एक बैच की, एंड मुझे नहीं पता कितने लोगों ने अप्लाई किया था, बट काफ़ी ज़्यादा लोगों के पास टेस्ट का लिंक आया, जो ऑनलाइन टेस्ट था। ऑनलाइन टेस्ट घर से ही हुआ, उसमें दो क्वेश्चन पूछे गए थे, 50-50 मार्क्स के दोनों क्वेश्चंस थे, एक घंटा दिया था दोनों क्वेश्चंस करने के लिए, एंड जो उनकी लेवल थी इट वाज मॉडरेट लेवल, नॉट सो एडवांस एंड नॉट सो इजी। अब उसमें जो डेटा स्ट्रक्चर्स यूज हुए थे वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें हमारा क्यू यूज़ हुआ था एंड दूसरे वाले क्वेश्चंस में बाइनरी सर्च यूज़ हुआ था, ठीक है। एज फार एज आई रिमेंबर, मुझे एक्जैक्टली क्वेश्चंस याद भी नहीं है बिकॉज इट्स बीन मोर देन अ ईयर, बट दीज वर द टू थिंग्स विच वॉज यूज इन दोज टू क्वेश्चंस। अब एक घंटे का टाइम था एंड आई वॉज एबल टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस इन 35-40 मिनट्स। मैंने दोनों को सबमिट कर दिया था एंड अच्छे से देख के कि अगर इन टेस्ट अभी जो टेस्ट केस दिए हुए हैं उन पर तो पास कर रहा है, बट कुछ कंपनीज का क्या होता है कि जो हमारा कोड होता है ना वो टेस्ट के बाद और टेस्ट केसेस पे भी चला के देखा जाता है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करके। तो जो उसमें कंस्ट्रेंट्स मेंशन थे वो आपको एक बार चेक कर लेना चाहिए कि ये जो आपका कोड है ये n स्क्वायर में करेक्ट सॉल्यूशन देगा, TLE तो नहीं दे देगा, बिग ओ ऑफ n में सही सॉल्यूशन देगा, TLE तो नहीं दे देगा, तो आपको देख लेना चाहिए, ठीक है। उस टाइम तो सबमिट हो जाते हैं सारे टेस्ट केसेस, बट आफ्टर दी टेस्ट कंपनीज क्या करती हैं उनको और टेस्ट केसेस पे चला के देखती है फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग। अच्छा, अब ऐसा था कि जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया था उसमें एंड उनको इंटरव्यूज़ कुछ लिमिटेड लोगों का ही लेना था, तो मैंने सोचा कि यार कर तो सभी ने लिया होगा, अब देखते हैं किस किस का शॉर्ट लिस्ट होता है। शॉर्ट लिस्टिंग होती है अकॉर्डिंग टू द टाइम, जिसने कम टाइम में सबमिट किया वो शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा, ठीक है, अगर ज़्यादा लोगों ने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं तो, ठीक है। फिर शॉर्ट लिस्ट आई उसी दिन शाम में एंड उस शॉर्ट लिस्ट में मेरा नाम था। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आई वुड लाइक टू थैंक्स द स्पॉन्सर ऑफ दिस वीडियो विच इज़ रीलेवल। So many a time student complain that many good companies are not visiting their campuses and when they apply off campus, their resumes are not getting shortlisted. So for them, there's a really good platform called Relevel. All you have to do is to write a Relevel test according to the profile in which you want to apply. And according to your test, companies are going to approach you. Now this test is completely free now. All you have to do is go to the Relevel.com platform or you can check out the link in the description. According to the profile, business development, front-end development or back-end development, register yourself for the test and record a short video resume. After the test, you are going to get a re-level score and by looking at your score, the companies are going to approach you. Okay? To name a few companies, there is Cred, there is Urban Company, there is CureFit, there is RazorPay and a lot more other companies. Alright? So just go to the link in the description, go to the re-level platform and register yourself now. So interviews were supposed to be the very next day in the morning. तो कुछ भी तैयारी का टाइम नहीं था, मैंने तैयारी करी भी नहीं। मैंने कहा जितनी तैयारी है मैंने ऑलरेडी प्रोजेक्ट किया हुआ था इंटर्नशिप में और मुझे थोड़ा सा थ्योरी पता थी क्योंकि इंटर्नशिप के एंड में भी मेरा एक इंटरव्यू हुआ था, ठीक है, उसके लिए मैंने तैयारी की हुई थी। लेकिन उसमें जो स्टूडेंट्स का नाम था उसमें से कुछ लोग तो थे कैंडिडेट मास्टर कोड फोर्सेस पे और कुछ लोग थे मास्टर, कुछ लोग गूगल में इंटर्नशिप करके आए हुए थे, मतलब एक बहुत ही अच्छा स्टूडेंट का एक ग्रुप उन्होंने उठा लिया था उसमें से। अब मुझे पता था कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने लेके जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 या 7 लेके जाएगी।
फिर अगले दिन से हमारे इंटरव्यूज़ होना शुरू हुए, सुबह 10 बजे से इंटरव्यू स्टार्ट हो गए। उसमें क्या था कि हम लोगों का एक ग्रुप बना दिया गया था, एंड इन द ग्रुप वी आर गेटिंग नोटिफिकेशंस कि आपका फर्स्ट राउंड होने वाला है। फर्स्ट राउंड होने के बाद नोटिफाई करते थे, फिर सेकंड राउंड के लिए कॉल आता था। तो फिर हुआ मेरा फर्स्ट राउंड। अब फर्स्ट राउंड में इंटरव्यूअर ने मुझसे दो क्वेश्चन पूछे। पहला जो क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन उसी का फॉलो अप था। फर्स्ट क्वेश्चन वाज प्रीटी सिंपल, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली व्हाट द क्वेश्चन वाज, बट इट वाज यूजिंग सेट्स एंड इट वाज यूजिंग सॉर्टिंग। एंड दूसरा वाला क्वेश्चन उसी का फॉलो अप था। मतलब पहले क्वेश्चन में ये था कि उसमें आपके डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं, रिपीट नहीं है नंबर्स, एंड सेकंड वाले में था कि रेपिटेशन अलाउड है नंबर्स की। इस तरीके का कुछ क्वेश्चन था, एंड इट वॉज स्ट्रेट फॉरवर्ड। एंड उसकी कॉम्प्लेक्सिटी इंप्रूव करने के लिए कहा गया, आई इंप्रूव द कॉम्प्लेक्सिटी, डुप्लीकेट्स हैंडल कर लिए, एंड इट वॉज प्रीटी मच सिंपल। जो राउंड्स होते हैं ना इंटरव्यू के, वो आपके 40-40 मिनट के होते हैं, बट जो मेरा फर्स्ट राउंड था इट वॉज ओवर इन 20 मिनट्स। ठीक है, तो ही वॉज क्वाइट सेटिस्फाइड, वो मेरा फर्स्ट राउंड हो गया, एंड आई वॉज कॉन्फिडेंट कि सेकेंड राउंड में हो ही जाएगा सिलेक्शन बेस्ड ऑन द फर्स्ट राउंड। ठीक है, फिर सेकेंड राउंड के लिए कॉल आया। काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ता है बिकॉज आई टोल्ड यू देयर वर 50 स्टूडेंट, एंड जो टीम होती है इंटरव्यू की वो लिमिटेड होती है, तो वहाँ पर उसमें टाइम लग जाता है बिकॉज दे आर टेकिंग इंटरव्यूज कंटिन्यूअसली। स्टिल हर एक को 30-30, 40-40 मिनट देने, दैट इज फाइन। तो बीच में काफ़ी ज़्यादा नर्वसनेस हो जाती है जब काफ़ी देर तक आपका नाम नहीं आता है फॉर द नेक्स्ट राउंड, बट ठीक है, आई वॉज कॉन्फिडेंट कि इस ये तो क्लियर हो ही जाएगा। फिर सेकेंड राउंड के लिए कॉल आया। ठीक है, अब सेकेंड राउंड मेरा स्टार्ट हुआ। सेकेंड राउंड में फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, इट वॉज बेस्ड ऑन डायनेमिक प्रोग्रामिंग एंड मैप्स, सो इट वॉज बेसिकली काइंड ऑफ डीपी ऑन मैप्स, एंड आई वॉज एबल टू डू इट। बट उसमें थोड़ा सा कैच एंड थोड़ी सी नोट करने वाली चीज़ ये है कि मैंने उसमें जो कोड लिखा था ना, इट वॉज नॉट सो क्लीन। मैंने अच्छा कोड नहीं लिखा था उसमें, मैंने जो वेरिएबल्स के नाम थे वो अच्छे नहीं लिखे थे एक्चुअली। ठीक है, तो जल्दी जल्दी मैंने लिख दिया, बट एज आई ऑलवेज टेल इवन इन माई लेक्चर्स कि कभी भी आप लोग वेरिएबल की नेमिंग करो तो वो अच्छे से करना, कभी भी फंक्शन की नेमिंग करो तो अच्छे से करना। ठीक है, एक थोड़ी सी लॉजिकल नेमिंग होनी चाहिए, क्योंकि मेरे केस में क्या हुआ था, इंटरव्यूअर को थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हुई थी कोड को, और मैंने एक्सप्लेन कर दिया था पूरा अपना कॉन्सेप्ट कि मैं क्या कोड करने वाला हूँ। जब मैंने कोड किया तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई, एंड मुझे दोबारा से रिपीट करना पड़ा, एंड मुझे नेमिंग कन्वेंशन सही करनी पड़ी। ओके, एंड ही इवन पॉइंटेड इट आउट कि थोड़ा सा नेमिंग कन्वेंशन सही कर लो, तो मैंने सही कर दी। एंड वॉज ही वॉज रियली कूल इंटरव्यूअर कि उन्होंने मुझे मैंशन किया, एंड आई वॉज एबल टू डू इट। अगर कोई इंटरव्यूअर होता और फ्रस्ट्रेट हो जाता दैन खत्म था मामला। सो प्लीज़ कीप इन माइंड कि ऑलवेज नेम द वेरिएबल्स वेरी सिस्टमेटिकली। ओके, अच्छे अच्छे नाम दे दिया करो वेरिएबल्स। ऑल्सो आई वॉन्ट टू शेयर कि जो मेरा कोड था, इट वॉज ऑन कोडशेयर। कोडशेयर नाम का एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर कोडिंग आप करते हैं एक तरफ, एंड दूसरी तरफ वो रिफ्लेक्ट हो जाता है कि आप क्या कोड कर रहे हैं, तो वी वर डूइंग ऑन दैट। बट बीच में वो चलना बंद हो गया था, तो वी शिफ्टेड टू दी गूगल शीट्स, नॉट गूगल शीट्स, गूगल डॉक। तो गूगल डॉक पर हमने कोड कर लिया था। ठीक है, कोई ऐसी चीज़ अब आपको अवेलेबल नहीं होती, यहाँ पर ऑटो करेक्ट सिंटैक्स हो जाता है। ठीक है, ऑटो करेक्ट सिंटैक्स नहीं मिलने वाला है मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज़ में, कहीं कहीं मिल जाएगा बट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में नहीं मिलने वाला है। सो आपको बिना ऑटो करेक्शन के कोड लिखना आना चाहिए। ठीक है, सो दिस वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन, आई वॉज एबल टू डू दैट क्वेश्चन, काफ़ी अच्छे से कर दिया, कॉम्प्लेक्सिटी समझा दी। देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ही आस्क मी, ही एक्सप्लेन मी द क्वेश्चन, और क्वेश्चन सुनने के बाद आई वॉज वेरी हैप्पी। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं आई वॉज वाई आई वॉज हैप्पी। तो एक्साइटमेंट मेरी दिख गई, तो मैंने स्टार्ट किया सॉल्व करना क्वेश्चन को। तो इंटरव्यू आस्क, उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या ये आपने पहले किया हुआ है क्वेश्चन। तो मैंने कहा कि यस, क्वेश्चन मैंने पहले किया हुआ है। काफ़ी यार बेसिक क्वेश्चन था वो, मैं बता देता हूँ, वो क्वेश्चन था आपका हिस्टोग्राम वाला। ठीक है, हिस्टोग्राम वाला एग्जैक्ट नहीं था, उससे थोड़ा सा अलग था, बट हाँ वही कॉन्सेप्ट लगने वाला था उसमें, स्टैक वाला। तो मैंने बता दिया कि यस मैंने किया हुआ है ये क्वेश्चन। ओके, देन ही सेड ओके, लेट अस चेंज द क्वेश्चन। ठीक है, अब मैंने बता दिया बिकॉज आई वॉज कॉन्फिडेंट कि डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम मैं हैंडल कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी बिकॉज, और हाँ ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाता है when you have done a question in the past, and अगर आप उसको मना कर दोगे कि आपने वो क्वेश्चन नहीं किया हुआ है, बट स्टिल वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा while you are solving the question, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि आपने क्वेश्चन किया हुआ है। ठीक है, नया क्वेश्चन आता है, थोड़ी ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हो अपने आप से, कुछ मतलब नया नया ट्राई करते हो। ठीक है, तो वो चीज़ इंटरव्यू काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं, उनको पता चल जाता है कि आपने किया है या नहीं किया। इट इज़ बेटर टू टेल कि हाँ यार ऑलरेडी मैंने किया हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, देन ही चेंज द क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन था इट वॉज फ्रॉम थ्योरी, नॉट फ्रॉम कोडिंग। ठीक है, तो इट वॉज अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन, इट वॉज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मैप्स। उन्होंने मुझसे पूछा कि हाउ आर मैप्स इम्प्लीमेंटेड। ओके, तो आई एक्सप्लेन हाउ आर हैश मैप्स इम्प्लीमेंटेड यूजिंग अ हैशिंग फंक्शन। देन आई एक्सप्लेन कि हाउ आर द मैप्स इम्प्लीमेंटेड यूजिंग द ट्रीज। ओके, यूजिंग द बाइनरी सर्च ट्रीज,
रेड ब्लैक ट्रीज को यूज़ करके कैसे हम लोग मैप्स को इंप्लीमेंट करते हैं। देन चेनिंग टेक्निक बताई, कौन सी चेनिंग टेक्निक यूज़ करते हैं, प्रोबिंग यूज़ करते हैं, लीनियर चेनिंग यूज़ करते हैं, लीनियर प्रोबिंग, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग, ठीक है। तो ये सारी मैंने उनको एक्सप्लेन कर दी एंड ही वॉज क्वाइट सेटिस्फाइड विद ऑल दोज एक्सप्लेनेशंस। तो थोड़ा थोड़ा सा ना थ्योरी भी आपको आनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम दैट। ओके, तो ये राउंड हो गया। देन इस राउंड के बाद आई वॉज वेटिंग फॉर द थर्ड राउंड, बट इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट था। इसमें मुझे एक तो जो मैंने नेमिंग नहीं करी थी वेरिएबल्स की, उसमें थोड़ा थोड़ा डाउट था कि यार कहीं इस वजह से कुछ दिक्कत ना हो जाए। और दूसरा कि वेन एवर यू आर गेटिंग ए थ्योरेटिकल क्वेश्चन एंड उसको आप एक्सप्लेन करते हैं, तो आपको एक्चुअली पता नहीं चल पाता है कि आपने बिल्कुल जो इंटरव्यू को चाहिए वही एक्सप्लेन किया है या नहीं किया है। DSL का क्वेश्चन सिंपल है, या तो आपने बताया आंसर या नहीं बताया, आपको पता है। बट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में कन्फ्यूजन रहती रहती है कि आपने अच्छे से बता पाया है या नहीं बता पाया है। तो मुझे थोड़ा सा डाउट था एंड आई वॉज लाइक कि यार पता नहीं अब अगले के लिए आएगा नहीं आएगा। बच्चे तो बहुत अच्छे अच्छे हैं ऑलरेडी, काफ़ी अच्छा अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे होंगे अपने वो लोग इंटरव्यूज़ का। सो आई वेंट फॉर द लंच। अब लंच के लिए 5 मिनट के लिए बाहर निकला, जल्दी जल्दी लंच करा और वापस से होल टाइम द फोन वॉज इन माई हैंड कि देखते हैं कब नाम आता है, कब किस किस का नाम आ रहा है, किस किस का थर्ड राउंड के लिए कॉल हो रहा है, किस किस का सेकंड राउंड के लिए कॉल हो रहा है। होल टाइम द फोन वॉज इन दी हैंड कि कब मेरा नाम आएगा फॉर द थर्ड राउंड। अब ऐसे करते करते शाम हो गई, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया और सुबह से मैं बैठा हुआ था एंड एक जगह बैठे बैठे ना थोड़ा सा नींद भी आने लग जाती है, तो उस टाइम तक ना थोड़ी थोड़ी नींद भी आने लग गई थी शाम तक। स्टिल आई वॉज फोकस्ड कि यार जैसे ही राउंड आएगा तो इसको अच्छे से परफॉर्म करना है, लास्ट राउंड है। फिर फाइनली मेरा थर्ड राउंड के लिए कॉल आ गया एंड आई वॉज होपिंग कि यार ये थोड़ा थोड़ा HR राउंड हो जाए, ज़्यादा इसमें ट्रिकी क्वेश्चंस ना हो। बट अगेन दैट राउंड स्टार्टेड विद दी डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन वॉज सिंपल 2-pointer, ठीक है, एक्सप्लेन कर दिया, ड्राई रन करके दिखा दिया, कोड कर दिया। देन वी मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन और जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें कंप्लीटली लग गई थी मेरी एंड इट वॉज अ डिज़ाइन क्वेश्चन, नॉट सिस्टम डिज़ाइन, अ डेटा स्ट्रक्चर डिज़ाइन क्वेश्चन, जिसमें आप 2-3 डेटा स्ट्रक्चर्स को यूज़ करके एक नया डेटा स्ट्रक्चर्स बनाते हैं एंड ऑपरेशन जो उसमें होते हैं ना, जो मैंशन होते हैं कि ये वाला ऑपरेशन करना है बिग ऑफ वन में होना चाहिए, डिलीशन का ऑपरेशन बिग ऑफ वन में होना चाहिए, इंसर्शन का ऑपरेशन बिग ऑफ वन में होना चाहिए, सर्च का ऑपरेशन इस कॉम्प्लेक्सिटी में होना चाहिए। तो उस तरीके का आपको डेटा स्ट्रक्चर्स इंप्लीमेंट करना होता है एंड यूजिंग 2-3 डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स। तो वो क्वेश्चन था, काफ़ी ट्रिकी था, मैंने कभी देखा भी नहीं था वो वाला क्वेश्चन। तो मैंने स्टार्ट किया सॉल्व करना। अभी ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी था एंड इसको टैकल करने में मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, बट वाइल आई वॉज थिंकिंग मैंने कम से कम इसमें 5 से 6 मिनट लिए थे सोचने में। एंड वाइल आई वॉज थिंकिंग अलाउड, ठीक है, मैं अपना थॉट प्रोसेस बताता जा रहा था कि मैं ऐसे करूँगा तो ये हो जाएगा, नहीं 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 उसमें कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी, सो इंस्टेड ऑफ दैट आई विल हैव टू थिंक समथिंग ऑफ बेटर एट दिस प्लेस। इस तरीके से ना मैं बात करता जा रहा था अपने आप से, बट मेरे और इंटरव्यूअर के बीच में कोई भी कम्युनिकेशन नहीं थी इतने टाइम तक एंड मुझे लगा कि यार मैं हिंट मांग लूँ क्योंकि आई वॉज कम्प्लीटली स्टक देयर। बट मैंने सोचा कि यार देखो सारे राउंड अच्छे से चले गए हैं, अब तक जो भी गया बहुत अच्छे से गया है, और अगर मैंने हिंट अभी मांग लिया ना इसकी वजह से रिजेक्शन हो गया तो मुझे काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि ठीक है थोड़ा सा और ट्राई करते हैं, थोड़ा सा और स्ट्रगल करते हैं क्वेश्चन के साथ, ठीक है। सो आई स्टार्टेड थिंकिंग कि क्या क्या कर सकते हैं हम लोग एंड मुझे सडनली एक चीज़ स्ट्राइक कर गई एंड आई वॉज एबल टू कम अप विद द सॉल्यूशन, ठीक है। सो आई वॉज वेरी मच थैंकफुल टू द गॉड कि यार मेरे को स्ट्राइक कर गया वो सॉल्यूशन एट दैट स्पॉट। काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है उस टाइम पे, इनफैक्ट कुछ नया अप्रोच सोचना उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल बन जाता है। सो आई वॉज एबल टू कम अप विद दैट सॉल्यूशन, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, अच्छे से कोड कर दिया। उसके बाद फिर चिल सीन था 5-10 मिनट तक, देन वी टॉक्ड अबाउट कि हाउ इज़ द कल्चर एंड हाउ इज़ एवरीथिंग एट क्योरफिट एंड देर इज़ अ फ्लैट हायरार्की एक्चुअली इन आर ऑर्गेनाइजेशन, देर इज़ अ फ्लैट हायरार्की, कोई ऐसा SD1 SD2 नहीं होता है, एवरीवन इज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर देयर। एंड अब मुझे आके एक्चुअल में एक्सपीरियंस हुआ दैट द वर्क कल्चर इज़ रियली अमेजिंग। आपको और चाहिए क्या, वर्क कल्चर इज़ रियली अमेजिंग, ओके, द ऑफर दैट यू गेट इज़ रियली अमेजिंग, एवरीथिंग इज़ रियली अमेजिंग, द मेंटर्स दैट वी गेट हियर बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं यहाँ पर, बहुत अच्छा अच्छा आपको सिखा देते हैं चीज़ें, ठीक है। एंड दीज थिंग्स विच यू माइट टेक मच मोर टाइम टू लर्न, आपको बहुत आसानी से यहाँ पर कम टाइम में सीखने को मिल जाता है। सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ क्योरफिट नाउ एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मज़ा आ रहा है काम करने में एट दिस मोमेंट, और मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा आगे फ्यूचर में कि वॉट द वर्क दैट आई डू एंड मुझे क्या क्या अब तक का जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा है, आई विल बी शेयरिंग दैट इन फ्यूचर। ओके, तो होता क्या है फिर, ये मैंने राउंड दे दिया एंड इस राउंड के बाद जो मेरा कॉन्फिडेंस था वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला गया, ठीक है। ऑल दो मैंने उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टाइम लिया था, बट आई वॉज एबल टू कम अप विद अ सॉल्यूशन बाय माई ओन एंड द इंटरव्यूअर नोज दैट कि इसने ऑन द स्पॉट सॉल्यूशन सोचा है। तो उस दिन जिस दिन इंटरव्यू था मैंने शाम तक वेट किया एंड अगले दिन सुबह से वेट करना स्टार्ट हो गया। फिर अगले दिन सुबह मेरे दोस्त का व्हाट्सएप पे मैसेज आता है दैट कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दी ऑफर। तो मैंने उससे कहा कि यार अभी ऑफर आया नहीं है एक्चुअली, बट मुझे कॉन्फिडेंस तो है बट अभी तक आया नहीं है, जब आ जाएगा आई विल कन्फर्म। उसने कहा कि नहीं
मेरा जो दोस्त है ही इज़ हैंडलिंग द कंपनी एंड ही इज़ द कोऑर्डिनेटर ऑफ दिस कंपनी एंड उसने मुझे बताया कि आपका नाम आ गया एंड 5 लोगों का सिलेक्शन हुआ है एंड योर्स इज एट द टॉप. सो आई वॉज रियली हैप्पी. बट स्टिल जब तक कि लिस्ट सामने नहीं आ जाती है ना तब तक थोड़ा थोड़ा डर लगता रहता है. तो मैंने उससे फ़ोन पर बात करी एंड उसके बाद मैंने सोचा कि अपने पेरेंट्स को बाद में बताएंगे जब फाइनली लिस्ट आ जाएगी तब. ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद लिस्ट भी आ जाती है एंड माई नेम वॉज एट दी टॉप. सो आई वॉज रियली हैप्पी टू शेयर इट विद माई पेरेंट्स ऑफ कोर्स एंड माई सिस्टर. तो फिर मैंने उनके साथ ये न्यूज़ शेयर करी एंड उस दिन तो पूरा पार्टी वाला माहौल था. और उसी दिन मेरी सिस्टर का जो ऊबर का इंटरव्यू था वो चल रहा था फॉर द इंटर्नशिप्स और उसका भी फाइनल राउंड हो गया एंड उसका भी फाइनली लिस्ट में नाम आ गया. सो इट वॉज अ डबल बम्पर ऑफर फॉर बोथ ऑफ अस. दोनों का नाम एक साथ आ गया एंड वी बोथ वर वेरी हैप्पी. द एंटायर फैमिली वॉज हैप्पी. सो दिस वॉज माई क्योरफिट इंटरव्यू एक्सपीरियंस. आगे कभी फ्यूचर में आपके साथ क्योरफिट का वर्क एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा दैट हाउ इज द वर्क लाइफ कल्चर हियर एंड हाउ डू वी वर्क एंड व्हाट ऑल थिंग्स वी वर्क ऑन. सो वेट फॉर दैट एंड इफ यू लाइक द वीडियो मेक श्योर टू गिव इट अ लाइक, मेक श्योर टू गिव योर कमेंट्स एंड लेट्स मीट इन अनदर वीडियो. थैंक यू.